गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टुडे वी विल लर्न द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फंक्शन ऑफ रूट्स फंक्शन ऑफ लीव्स जिसमें कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड पढ़ लिए थे उसका फंक्शन आज जो हम लोग पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज प्लांट्स ब्रीथ विथ द हेल्प ऑफ लीव्स प्लांट क्या करता है तो पत्तों की सहायता से जो है ब्रीथ करता है लीव्स हैव न्यूमिर टाइनी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमाटा अंडर दियर सरफेज क्या है तो लीफ में जो है लीफ का जो लोअर सरफेस होता है उसके नीचे क्या होता है निचले सफ सरफेस पर जो है वो बहुत सारे स्टोमाटा पाए जाते हैं द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमाटा और इनमें जो है गैस का एक्सचेंज जो होता है यानी कि ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना या वो जब ब्रीद में ब्रीदिंग में प्लांट भी क्या करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जबकि वो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो ये जो भी प्रोसेस होता है गैस का जो एक्सचेंज एक्सचेंज होता है वो जो है लीफ के स्टोमाटा के थ्रू ही होता है द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड लेंटिस प्रेजेंट ऑन ओल्ड स्टेम्स इन गैसियस एक्सचेंज इसके अलावा प्लांट के जो स्टेम होते हैं पुराने स्टेम होते हैं उस पर भी छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं जिनको कि लेंटी सेल्स कहा जाता है तो इसके थ्रू भी क्योंकि प्लांट का हर पोर्शन जो है वो रेस्पिरेशन करता है तो स्टेम जब करता है तो स्टेम में जो गैस का एक्सचेंज होता है वो लेंटी सेल्स के द्वारा होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इंटरस द लीव्स एंड ऑक्सीजन इज गिवेन आउट फोटोसिंथेसिस में क्या होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो छोड़ते हैं हाउ एवर ड्यूरिंग रिस्प्रेशन ऑक्सीजन इंटर द लीव्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिविन आउट और जस्ट रिवर्स जो है जब रिस्परेशन होता है तो क्या करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं एक एनिमल की तरह और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं थर्ड थर्ड फंक्शन है ट्रांसप्रेशन ट्रांसपरेशन प्लांट्स एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ वाटर फ्राम द लिव्स फ्रॉम द स्वाइल्स बट वेरी लिटिल वाटर इज यूज ऑफ इन फोटोसिंथेसिस कहता है कि प्लांट जो है बहुत सारा वाटर जो है फॉल से एब्जॉर्व करता है लेकिन उसको फोटोसिंथेसिस के लिए जो है बहुत थोड़े से वाटर की जरूरत पड़ती है द रेस्ट ऑफ वाटर इज लॉस्ट टू एटमोसफेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमाटा तो और जो इतना जो ये इतना एक्सेस अमाउंट जो वाटर का यूज रहता है जो प्लांट एब्जॉर्व करता है तो वो क्या होता है तो वाटर वेपर के फॉर्म में जो है वो एस्टोमाटा के थ्रू एटमोसफेयर में फिर रिलीज हो जाता है द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द एस्टोमाटा इज कॉल्ड ट्रांसप्रेशन और इस वाटर का जो लॉस है एस्टोमाटा के थ्रू उसको हम लोग ट्रांसपरेशन कहते हैं ट्रांसफ्रेशन हेल्प द प्लांट इन द फॉलोइंग ट्रांसफरेशन क्या क्या करता है तो पहला है कि इट हेल्प इन कूलिंग द प्लांट बॉडी जस्ट एज लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग स्वेटिंग हेल्प अस टू कूल कीप कूल जैसे कि हम लोगों में क्या होता है स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग की वजह से क्या होता है हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है हमारा शरीर ठंडा रहता है तो जस्ट लाइक ह्यूमन हुम, बींग्स प्लांट में भी क्या होता है ये ट्रांसफरेशन के थ्रू क्या करता है कि प्लांट का बॉडी जो होता है वो ठंडा रहता है नेक्स्ट है वेन लिप्स लॉस वाटर ड्यूरिंग फोटो ट्रांसप्रेशन मोर वाटर एंड मिनरल्स आर फुल्ड अप वर्ड फ्रॉम द रूट्स टू मेक अप फॉर द लॉस्ट वाटर और ये क्या करता है जब ये पुल्ड करता है बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर जब ये सॉइल से ऐब्जॉर्व करता है तो क्या होता है उसके साथ साथ ये मिनरल्स को भी एब्जॉर्व करता है तो ये क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है दस लेव्स हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट थ्रू ट्रांसफ्रेशन और इस तरह से जो क्या होता है फोटोसिंथेसिस के लिए उसको जो है ज़्यादा अमाउंट में जो है वो मिनरल्स और वाटर मिलता है और इस तरह से ये लिप्स जो है क्या करते हैं तो प्लांट के ट्रांसफर ये कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में जो है मदद करता है ट्रांसफरेशन के प्रोसेस के द्वारा तो अब जो है यहाँ देखिए स्टोमाटा का स्ट्रक्चर दिया हुआ है है ना इसको गार्ड सेल स्टोमाटा जो है गार्ड सेल्स के द्वारा जो है कंट्रोल होता है इसका ओपनिंग और क्लोजिंग जो होता है वो गार्ड सेल्स के द्वारा ही होता है यहाँ देखिए ये दिया हुआ एस्टोमेटल ओपनिंग है ये जब लेता है खोलता है ये वाटर का जो है रिलीज करता है तो उसका मुँह खुल जाता है जब ये एब्जॉर्ब करता है तो उसको फिर वो क्लोज कर लेता है अब यहाँ जो है एक्टिविटी दिया हुआ है टू तो डेमोन्स्ट्रेट दैट वाटर इज गिवेन ऑफ ड्यूरिंग ट्रांसफरेशन तो थिंग्स नीडेड क्या है तो ए हेल्दी प्रोटेड प्लांट है टू तो पॉलीथीन बैग है और वेसलिन और ग्रीस प्लांट है तो इसमें क्या किया है देखिए यहाँ ये अंडर अंडरग्रीस्ड लीफ है इसके बाद पॉटेड है प्लांट है यहाँ है लीफ कोटेड विथ वैसलिन है नो वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ देखिए अब इसके लिए क्या किया है तो टेक ए हेल्दी पॉटेड प्लांट बताए एक हेल्दी प्लांट लेना है वाटर एट उसमें पानी डालना है रेगुलर और कवर ए लीफ ऑफ द प्लांट विथ वैसलिन और ग्रीस और उसके लीफ को जो है वैसलिन के द्वारा या किसी ऑयली सब्सटेंस ग्रीस के द्वारा उसको कवर कर देना है टाई पॉलीथीन बैग अराउंड द लीफ और उस लीफ के चारों ओर जो जो है एक पॉलीथीन से लीफ को जो पॉलीथीन से कवर कर देना है अच्छे से कवर एनदर लीफ विथ एनदर पॉलीथीन बैग डू नॉट अप्लाई वेस्लिन ऑन दिस लीफ अब क्या करना है एक दूसरा भी लीफ लेना है और उसको भी पॉलीथीन से अच्छे से बांध देना है लेकिन इस लिप पर वैसलिन को नहीं लगाना है कीप द फोर्टेड प्लांट इन सन लाइट फॉर ए फ्यू आवर्स और देन ऑब्जर्व कहता है कि इसके बाद उस प्लांट को जो है कुछ घंटों के लिए हम लोग धूप में छोड़ देंगे और फिर देखेंगे तो क्या देखते हैं तो यू ऑब्जर्व वाटर ड्रॉपलेट इनसाइड द पॉलीथीन बैग हैविंग द लिफ विदाउट वैसलिन कहता है कि जिस लिप में हमने वैसलिन नहीं लगाया उस लिप में क्या हुआ हम लोगों को वाटर ड्रॉपलेट्स मिला द अदर पॉलीथीन बैग हैविंग द लिफ कोटेड विथ वैसलिन डज नॉट हैव वाटर ड्रॉपलेट्स और जिस लिप को हमने वैसलिन से कवर कर दिया था उसमें जो है ये वाटर ड्रॉपलेट्स हम लोगों को नहीं मिला तो कंक्लूजन क्या है वाटर इज गिवेन आउट बाई द लिप्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर व्यापार थ्रू द एस्टोमाटा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोरेशन इससे हम लोगों को कंक्लूजन क्या मिलता है कि लीव्स के द्वारा जो है वाटर जो है रिलीज होता है ट्रांसपेशन के प्रोसेस में वाटर वेपर के फॉर्म में द लीफ कवर्ड विद वैसलिन कुड नॉट गिव आउट वाटर बिकॉज द एस्टोमाटा वे आर ब्लॉक बाई वैसलिन और जो कवर्ड जो वैसलिन से कवर्ड लीफ था वो उसमें हम लोगों को वाटर नहीं मिलता है क्योंकि उसका जो एस्टोमाटा है लीव्स का जो एस्टोमाटा है वो वैसलिन के द्वारा ब्लॉक हो गया है तो ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ़ लिप्स अब जो है नेक्स्ट डे हम लोग अदर फंक्शन ऑफ लिप्स पढ़ेंगे थैंक यू